आज का जो आपका टॉपिक है वो है प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। इसमें जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दी थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की वो किसने दी थी? प्लैंक्स ने दी थी। और किसके बेसिस पे दी थी? क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के बेसिस पे दी थी। तो इसकी हमारे पास कुछ एजम्पशंस करी थी प्लैंक्स क्वांटम ने कि ब्लैक बॉडी में जो ऑसिलेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का इन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हुआ था? जो ऑसिलेटर कैन लूज और गेन एनर्जी डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्वांटास। सेकेंड पॉइंट इसने कहा था जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे पास इमिटेड हो रही है या एब्जॉर्ब्ड हो रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है? हमारे पास फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर पे, E इक्वल टू एच न्यू। एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर। थर्ड पॉइंट इसने क्या कहा था हमें कि जो टोटल एनर्जी है वो हमारे पास इमिटेड होगी या एब्जॉर्ब्ड होगी कैन बी इन होल नंबर मल्टीपल्स ऑफ क्वांटम। तो ई किसके इक्वल होगा? एन एच न्यू। यहाँ पे जो एन है वो है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो अब हम डेरिवेशन करते हैं प्लैंक्स रेडिएशन लॉ का। हमने अकॉर्डिंग अगर प्लैंक्स रेडिएशन लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं तो जो ऑसिलेटर्स है ब्लैक बॉडी के वो कैन नॉट हैव एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी। वो किसकी फॉर्म में होते हैं? डिस्क्रीट एनर्जी की फॉर्म में होते हैं। और वो किसके इक्वल होते हैं? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम मिनिमम एनर्जी ई। तो ई किसके इक्वल हो गया? एन एच न्यू। और न्यू क्या होता है? सी बाय लेमडा। तो एन एच सी बाय लेमडा। एन की वैल्यू क्या है? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन है हमारे पास। और एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। और न्यू क्या है आपके पास? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। हमने सपोज कर लिया कि एन नॉट एन वन एन टू एन थ्री और सो ऑन ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑसिलेटर हैं पर यूनिट वॉल्यूम एनी एनर्जी। एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास? 0 h nu, 2 h nu, 3 h nu, ऐसे सो ऑन हो जाएगी। तो हमने जो नंबर ऑफ ऑसिलेटर है उसकी जो एक्सप्रेशन होगा बोल्ट्जमैन एक्सप्रेशन हम लेंगे जिसमें एवरेज एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर होगा। तो नंबर ऑफ ऑसिलेटर हैविंग एनर्जी ई आई एट टेम्परेचर टी क्या रिलेशन देगा? एन आई इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस ई आई बाय में के टी। जो ये एन नॉट है ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है। ओके तो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास? एन इक्वल टू एन नॉट प्लस एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री एंड सो ऑन। जब हम एन जीरो पे निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास? एन जीरो की निकालेंगे तो एन जीरो इक्वल टू एन जीरो ई की पावर माइनस 0/kT। तो ये किसके इक्वल आ गया? एन की एन नॉट, क्योंकि ई की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है हमारे पास। तो एन नॉट के इक्वल आ गया। ऐसे एन वन निकाल लेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास? एन वन की निकलेगी वैल्यू एन नॉट ई की पावर माइनस एच न्यू बाय के टी। ऐसे ही हम निकालेंगे एन टू की तो वो वैल्यू क्या निकलेगी? एन नॉट ई की पावर माइनस 2 h nu/kT। अब जो नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स है टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स वो किसके इक्वल था? एन इक्वल टू एन नॉट। एन नॉट की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? एन नॉट ही आई थी प्लस एन नॉट ई की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी प्लस एन नॉट ई की पावर माइनस 2 h nu/kT एंड सो ऑन। तो हमने इसमें कॉमन ले लिया एन नॉट, तो हमारे पास अंदर क्या बचा? 1 प्लस ई की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी प्लस
ई की पावर -2h(ν) बाय के टी एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया है कि जब हमारे पास 1 अपॉन में 1 माइनस ई की पावर -x हो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस ई की पावर -x प्लस ई की पावर -2x प्लस ई की पावर -3x। हमने यहाँ पे x किसको माना है, एच न्यू बाय के टी को माना है। तो हमारे पास x की वैल्यू है एच न्यू बाय के टी। तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास n किसके इक्वल आ जाएगा, n नॉट 1 अपॉन में 1 माइनस ई की पावर -h(ν) बाय के टी। ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। ये है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स एंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द एनर्जी ऑफ ब्लैक बॉडी का। ठीक है, फिर हम टोटल एनर्जी का निकालते हैं ऑसिलेटर्स में। तो ई टी है जो हमारे पास टोटल एनर्जी, वो किसके इक्वल होती है, ई एन 1 प्लस 2 एन 2 प्लस 3 एन 3 एंड सो ऑन। तो एनर्जी है हमारे पास वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी के। तो ई इक्वल टू एच न्यू। तो हमारे पास जो बोल्ट्जमैन ने क्या कहा था, इसका रिलेशन दिया था हमें, कि वो रिलेशन क्या दिया था कि एन वन है उसका क्या आया था हमारे पास नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स, एन नॉट ई की पावर -e बाय के टी। ठीक है, तो हम इसमें क्या पुट करवाएंगे, देखिए ई की जगह तो एच न्यू ब्रैकेट एन वन की वैल्यू आई थी एन नॉट ई की पावर -e बाय के टी प्लस 2 एन नॉट ई की पावर -2e बाय के टी एंड सो ऑन। तो हमने एन नॉट कॉमन ले लिया तो ई टी किसके इक्वल आया, एन नॉट एच न्यू ई की पावर -e बाय के टी प्लस 2 ई की पावर -2e बाय के टी एंड सो ऑन। प्लस हमने एक्स की वैल्यू क्या माननी है, यहाँ पे ई की पावर -e बाय के टी। तो 1 प्लस 2x प्लस 3x² 4x³। तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, 1 माइनस एक्स उसकी पावर क्या हो जाएगी, -2। तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी टोटल एनर्जी की, ए टी इक्वल टू एन नॉट एच न्यू ई की पावर -e बाय के टी, कॉमन लिया अंदर जो 1 प्लस 2x प्लस 3x² है उसकी जगह हमने पुट करवा दिया 1 e की पावर -e बाय के टी, उसकी पावर क्या हो जाएगी, -2। तो हमारे पास रिलेशन क्या आया, एन नॉट एच न्यू ई की पावर, ई क्या है हमारे पास एच न्यू बाय के टी अपॉन में 1 माइनस ई की पावर -h(ν) बाय के टी का होल स्क्वेयर। एवरेज एनर्जी है जो हमारे पास ऑफ द ऑसिलेटर की, वो क्या होती है, ई बार इक्वल टू टोटल एनर्जी डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स। दोनों की वैल्यू हमने वेरीफाई आउट करी है, दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करवा देंगे। तो क्या आएगी, एन नॉट एच न्यू ई की पावर -h(ν) बाय के टी डिवाइड बाय 1 माइनस ई की पावर -h(ν) बाय के टी का होल स्क्वेयर। एन की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, एन नॉट 1 अपॉन में 1 माइनस ई की पावर -h(ν) बाय के टी। तो यहां से हमारे कैंसिल आउट होकर वैल्यू आएगी हमारे पास एवरेज एनर्जी एच न्यू
ई की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी डिवाइड बाय 1 माइनस ई की पावर माइनस एच न्यू बाय के टी। अब इस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाएंगे इस इक्वेशन को किससे, ई की पावर माइनस एच न्यू बाय के टी से। तो हमारे पास एवरेज एनर्जी क्या आ जाएगी, ई बार इक्वल टू एच न्यू अपॉन में ई की पावर एच न्यू बाय के टी माइनस 1। प्लैंक्स ने कैलकुलेट किया था कि जो नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम जिसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज कहां से कहां तक है, न्यू से लेकर न्यू प्लस डी न्यू की रेंज में है, तो उसमें एक्सप्रेशन क्या आया था हमारे पास, 8 पाई v² dv बाय c क्यूब। हमारे पास जो एनर्जी डेंसिटी है किसके इक्वल होती है, एवरेज एनर्जी इनटू में नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारे पास ईवी डीवी किसके इक्वल हो जाएगा, ई बार इनटू में एन डीवी। ईवी डीवी किसके इक्वल होगा, 8 पाई v² बाय में सी क्यूब एच न्यू डिवाइड बाय ई की पावर एच न्यू बाय में के टी माइनस का 1 इंटू में डी वी। न्यू आपके पास किसके इक्वल होता है, सी बाय लेमडा। ठीक है, तो आपके पास डी वी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू लेमडा, तो माइनस का सी बाय लेमडा स्क्वेयर डी लेमडा। ये इक्वेशन हम यहाँ पे पुट करवा देंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, ई लेमडा डी लेमडा इक्वल टू 8 पाई h c बाय लेमडा की पावर 5 इंटू में 1 अपॉन में e की पावर sc बाय kt लेमडा माइनस 1 इंटू में d लेमडा। ये जो इक्वेशन है ये है प्लैंक्स रेडिएशन ला। अब इस पे हमने केस किए थे, फर्स्ट केस था हमारे पास एट लो वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, तो जो हमारे पास ई की पावर एस सी बाई के टी लेमडा है माइनस 1, वो अप्रोक्सीमेटली हम किसके इक्वल पुट कर देंगे, ई की पावर एस सी बाय के टी लेमडा। तो हमारे पास ई लेमडा है तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 पाई s c बाय लेमडा की पावर 5 e की पावर माइनस एस सी बाय के टी लेमडा। तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, वेन्स ला इक्वेशन। फिर हम सेकंड केस लेंगे एट हाई वैल्यूज ऑफ वेव लेंथ, उसमें हमारे पास e की पावर x का फॉर्मूला यूज होता है। e की पावर x क्या होती है, हमारे पास फॉर्मूला e की पावर x का होता है 1 प्लस x स्क्वेयर बाय में 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एक्स क्या है हमारे पास, एस सी बाय में के टी लेमडा। अब हमारे पास हाई जो पावर्स होगी उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास ई की पावर एस सी बाय के टी लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस s c बाय में के टी लेमडा, और हाई पावर्स को हमने नेगलेक्ट कर दिया। जब ये वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट करवाई तो हमारे पास क्या इक्वेशन आई, आपके पास ई लैम्डा इक्वल टू 8 पाई
एस सी बाय लेमडा की पावर 5 इंटू में 1 अपॉन में 1 प्लस एस सी बाय के टी लेमडा माइनस का 1। तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, एच सी कैंसिल आउट हो गया, एक लेमडा से एक लेमडा कैंसिल आउट हो गया। तो इक्वेशन आ गई हमारे पास 8 पाई डिवाइड बाय लेमडा की पावर 4 इंटू में के टी। तो ये जो इक्वेशन आई है ये आई है हमारे पास रिले जीन्स ला इक्वेशन। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये हमारे पास मेटल सरफेस है, इस पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट हमने यहाँ पे फॉल करवाई, और रिजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास होंगे उनको हम क्या कहेंगे, फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन, और जो इस पे इफेक्ट पड़ेगा उसको क्या कहेंगे, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, मेन पार्ट्स है 3। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास है फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड ओनली विथ ए लाइट ऑफ सर्टेन मिनिमम फ्रिक्वेंसी न्यू, उसको हम क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, और वो वेरीज करती है फ्रॉम मेटल टू मेटल। सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पे हमारे पास, जो काइनेटिक एनर्जी है आपके पास इमिटिंग इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीजेस करेगी जब हमारे पास फ्रिक्वेंसी है जो इंसिडेंट लाइट की वो भी इंक्रीज करेगी, बट इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे पास इंक्रीज जो करेगी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड या फोटोइलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास है आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग क्वांटम थ्योरी। अगर हम अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो लाइट इज किसमें मेड अप होती है, डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में होती है, उसको हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स। और जो इस फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, एच न्यू के इक्वल होती है। हमने फोटोन ऑफ फ्रिक्वेंसी न्यू हिट करवाई इलेक्ट्रॉन इन द मेटल और ट्रांसफर हो गई हमारे पास एनर्जी एच न्यू नॉट, और फिर प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो एच न्यू हमने करवाई हमारे पास, और फॉल होने के बाद हमारे पास जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की हुई वो क्या हुई, एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर हमारे पास एच न्यू लेस देन हो जाए एच न्यू नॉट, तो जो फोटोन की जो एनर्जी होगी सफिशियंट एनर्जी वो विल नॉट हैव सफिशियंट एनर्जी टू रिजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। तो फर्स्ट इक्वेशन जो ये है हमारे पास इक्वेशन आई थी, इसमें काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन की वो डिपेंड्स करती है फ्रिक्वेंसी पे ऑफ इंसिडेंट लाइट, ना कि इंटेंसिटी पे। तो हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे इसके बीच में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी के बीच में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आएगी। वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ये थी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो यहाँ पे जो स्लोप आया है आपके पास वो क्या आया है, एच, ठीक है, और ये इक्वेशन है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो स्लोप क्या है, एच है हमारे पास है फ्रीक्वेंसी के बीच में किया है, और इंटरसेप्ट क्या है, एच न्यू नॉट है। ठीक है, जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो रहे हैं जो स्ट्राइक हो रहे हैं मेटल सरफेस पे वो पर यूनिट टाइम वो भी हमारे पास इंक्रीज कर रहे हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड होंगे तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास रिमेन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स अनफेक्टेड। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे रिमेन्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका।